चलिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी बुक शेल्फ में, जहां पर आपको मिलते हैं बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक, मोटिवेशनल, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल बायोग्राफीज की समरी, वो भी हिंदी में, आसान भाषा में। तो आप आज इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आज हम बात करेंगे बहुत अच्छी किताब के बारे में जिसने सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक क्रांति लेकर आई। यस, डेल कार्नेगी की वो किताब जो आप सबको पढ़नी चाहिए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बहुत ही एक चमत्कारी किताब है। इसमें बताया गया है कि आप अपना व्यक्तित्व कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं और कैसे दोस्तों को जीत सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको इस किताब में? इस किताब में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर कहीं से भी आपको मिल जाएगी, ओपन मार्केट से भी। बट आज आप यहाँ पर आए हैं समरी लेने, तो मैं आपको 7 पॉइंट्स में बताऊँगा कि कैसे आप इस किताब से फ़ायदा उठा सकते हैं। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही रोचक बुक्स के बारे में बात करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं हम कि क्या है इस किताब में जो इतना प्रभावशाली है। क्या हम सच में इस किताब को पढ़कर अपने नए दोस्त बना सकते हैं, नए रिश्ते अपने अच्छे कर सकते हैं, कैसे अपने ऑफिस में और अपने आसपास के लोगों को? तो पहला पॉइंट, शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स लाइकिंग। जब भी आप किसी से बात करें, चाहे अनजान हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, तो आप उनकी बातों में इंटरेस्ट लीजिए। जो लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या आप जिनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो आपके आगे चल के आपको भी पता है कि किस तरीके से वो बिहेव करते हैं फिर हमसे। अगर हमारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले तो आप देखिए, हम उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो ये नहीं कि आप फॉर्मेलिटी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग उनकी बात सुनिए, आपको इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा उनकी बातों में। ये बहुत ही एक कम्युनिकेशन स्किल का एक अच्छा पहलू है जहाँ पर आपको इसको सीखना चाहिए। इनकी लाइक, सामने वाले की लाइकिंग्स, इन सब में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। और इसी के चलते एक सेकेंड पॉइंट है जिसको हम कहते हैं बी अ गुड लिसनर। ये कम्युनिकेशन स्किल में सबसे मेन स्टेप पे आता है, बट मुझे कॉन्टेक्स्ट तैयार करना था इसलिए मैंने पहला स्टेप वो रखा। सो बी अ गुड लिसनर। जब भी आप कम्युनिकेशन करें किसी से, चाहे वो प्रोफेशनल हो, कैजुअल हो, तो आपको 80-90% लिसनिंग मोड में रहना चाहिए। जब 80-90% आप लिसनिंग मोड में रहेंगे और 10% जब आप बोलेंगे, तो वो 100% को भी इफेक्टिव करेगा। ध्यान से सुने सामने वाले को, वो क्या बोल रहा है, उसके क्या इमोशंस हैं, उसकी क्या एनर्जी है, वो अपना टाइम आपको, एनर्जी आपको समर्पित कर रहा है। सो बी अ गुड लिसनर। थर्ड पॉइंट, ऑलवेज गिव कॉम्प्लीमेंट्स एंड शो एप्रिसिएशन। ये बहुत ही अच्छी आदत है। आज के टाइम पे कोई भी बुराई सुनना पसंद नहीं करता, तो छोटी छोटी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको आप सामने वाले के, अपने फ्रेंड्स, प्रोफेशनल, अपने जूनियर, अपने सीनियर, उनको हमेशा कॉम्प्लीमेंट दीजिए छोटी छोटी चीज़ों को देख। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आप इस आदत से ज़रूर बचिए, अवॉइड आर्गूमेंट। ऑफिस, घर, बाहर, बाजार, दुकानदार, किसी भी सिनेरियो में आपको इस पॉइंट से बचना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट से। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, इसमें कोई जीतता नहीं है। जीतने वाला भी जीत जाता है और जो हारता है वो तो हारता ही है। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर देखिएगा, ये अच्छे से अच्छे रिश्ते आपके ख़राब कर देता है। इस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्प अदर्स टू ग्रो। आप खुद तो ग्रो करिए ही लाइफ में, बट अपने साथ वालों को हमेशा, चाहे कैजुअल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल हो, आपके घर हो, चाहे स्ट्रेंजर से हो, हमेशा आप सामने वाले की हेल्प इस तरीके से करिए कि वो ग्रो करे। जब आप अपनी समर्पित होके पूरी एनर्जी देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके पास बूमरैंग की तरह वापस लौट कर आएगी। तो ऑलवेज हेल्प अदर्स टू ग्रो, दिस इज़ द वेरी बिग थिंग विच यू विल हैव टू लर्न फ्रॉम दिस बुक। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि बी कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक। आशावादी होना, और ऐसे लोगों के साथ को हमेशा लोग रहना चाहते हैं। आप भी अगर देखेंगे जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उनकी आप फ्रेंडशिप और उनका सर्कल आप चाहते हैं, जिससे कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंट आए। लूज़र टाइप की पर्सनैलिटियों के साथ रहना कोई पसंद नहीं करता। सो ऑलवेज, अगर आपको सेल्फ डाउट भी आ रहा है, बट आपको अपनी पर्सनैलिटी इस तरीके से शो करनी है कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और अंदर से जब होंगे तो आपकी वही पर्सनैलिटी आपकी बाहर निखर कर आएगी। आशावादी होना एक बहुत ही
रोचक बात है जो आपकी पर्सनैलिटी में होना चाहिए। आप दिन की शुरुआत अफर्मेशन से कर सकते हैं कि मैं बहुत आशावादी या बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ। नेक्स्ट स्टेप ये कहता है, जिसके ऊपर डेल कार्नेगी ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, डू नॉट क्रिटिसाइज और कंप्लेन। उनके एक शोध के द्वारा बताया गया है कि बुरे से बुरे क्रिमिनल भी अपने बारे में बुराई सुनना पसंद नहीं करते हो, तो हम और आप तो एक बहुत नॉर्मल इंसान हैं, हम बुराई सुनना कैसे पसंद कर सकते हैं किसी की। सो ये एक स्टेप है जिसमें कि आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसी की बुराई नहीं करना है, चाहे आप उसकी तारीफ कर सकें या ना करें, लेकिन आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, ना ही उसके सामने, ना ही उसके पीछे, और ना ही अपने मन में। अच्छी चीज़ों पे इम्पैक्ट डालिए, बुरी चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो भाई लास्ट थिंग इज़ दैट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और कोई अगर इसमें मेरे बताने के तरीके में कोई अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है तो कमेंट में आइए, सब लोग मिलकर ग्रो करते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।